दोस्तों, हम अक्सर अपने वीडियो में बॉलीवुड के सुपरस्टार और कई सारे सेलिब्रिटी की तो बात करते हैं, मगर आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो अपने देश के स्पेस एजेंसी इसरो के एक महान साइंटिस्ट रहे हैं, मगर इस महान वैज्ञानिक को एक षड्यंत्र में फंसाकर देशद्रोही बना दिया गया। फर्जी केस के चलते इन्हें जेल में बंद कर दिया गया और बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा भी गया। वैसे इन पर आरोप लगाया गया था कि यह इसरो की खुफिया इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इस वैज्ञानिक ने हार नहीं मानी और अपनी बातों पर अड़े रहे, क्योंकि यह एक सच्चे हिंदुस्तानी थे और इनका शुरू से ही सपना था इंडिया को स्पेस साइंस में सुपर पावर बनाने का, मगर यह वैज्ञानिक बड़े बड़े विकसित देशों के षड्यंत्र में फंस कर रह गए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे भारत के दूसरे APJ अब्दुल कलाम लंबी नारायण की, जिन पर हाल ही में एक मूवी भी बनाई गई है, रॉकेट दी लंबी इफेक्ट, जिसमें आर माधवन ने इनका रोल प्ले किए हैं। वैसे चलिए दोस्तों, जानते हैं लंबी नारायण के जीवन के कुछ ऐसी बातें जिसे हर एक भारतीय को जानना ही चाहिए। उसके पहले दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे देश के इस महान साइंटिस्ट के लिए तो बनती है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लंबी नारायण का जन्म 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु के एक शहर नागर कोविल में एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले एक तमिल फैमिली में हुआ था, और वही 2022 के हिसाब से इनकी उम्र होती है 81 साल। उनके पिता नारियल के कारोबारी थे और वही इनकी माँ एक हाउस वाइफ थे। नारायण अपने पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, वे अक्सर अपने क्लास में टॉप ही किया करते थे। वैसे इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई DVD हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी स्कूल की पढ़ाई कम्प्लीट की, और वही इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई तिरुवनंतपुरम के एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करके MTech में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। लंबी नारायण को बचपन से अपने देश के प्रति काफी प्रेम रहा है और ये अपने देश के लिए हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते थे जिससे हमारा देश काफी विकसित हो। वैसे इनका शुरू से ही ज्यादा इंटरेस्ट स्पेस साइंस में था और ये अपने स्कूल लाइफ से ही चाहते थे कि वह भी इसरो में काम करे, और इसी सपने को पूरा करने के लिए लंबी नारायण ने इंडिया के कॉलेज से स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चले गए, क्योंकि साल 1966 में इनकी मुलाकात उस समय के इसरो चेयरमैन विक्रम साराभाई से हुई थी, और इसी मुलाकात के दौरान इन्हें पता चला कि इसरो में सिर्फ हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल को ही सिर्फ जॉब दी जाती है। इसलिए विक्रम साराभाई ने लंबी नारायण को सलाह दी कि वो पहले अपनी पढ़ाई किसी IVY लीग कॉलेज से पढ़ाई कंप्लीट करे, फिर आगे चलकर नासा के फेलोशिप हासिल करके फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन में अपना मास्टर प्रोग्राम हासिल करे। जिसके चलते लंबी नारायण ने विक्रम साराभाई की सलाह मानते हुए उन्होंने वही किया जो इन्हें विक्रम साराभाई ने बताई थी। वैसे जब इन्होंने केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन में मास्टर हासिल कर ली तो इनकी काबिलियत और टैलेंट को देखते हुए इन्हें नासा की तरफ से खुद एक जॉब के लिए ऑफर किया गया, जहां इन्हें बहुत ही अच्छी खासी सैलरी भी दी जा रही थी, मगर इन्होंने नासा के ऑफर को ठुकराते हुए अपने देश के लिए काम करने का निर्णय लिया और फिर वापस अपने देश भारत लौटा और इसरो को एज अ रॉकेट साइंटिस्ट ज्वाइन कर लिया। वैसे इसरो में इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष के बड़े बड़े महान साइंटिस्ट के साथ काम किया, जैसे विक्रम साराभाई, सतीश धवन और APJ अब्दुल कलाम के साथ काम किया। इसरो के लिए काम करते हुए लंबी नारायण ने लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका उपयोग भारत के पहले PSLV में किया गया था। इन्होंने मात्र 70 के दशक में कह दिए थे कि अगर इसरो को सिविलियन स्पेस प्रोग्राम में सक्सेस हासिल करनी है और अपने मिशन के लिए इंसानों को स्पेस में भेजना है, इसके लिए लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इन्होंने उसी समय से लिक्विड फ्यूल इंजन पर काम करना शुरू कर दिया और अपनी कड़ी मेहनत और अपने तेज दिमाग से इन्होंने इसरो के लिए विकास इंजन डेवलप कर दिया। वैसे विकास इंजन एक लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन है जिसका इस्तेमाल इसरो के PSLV और GSLV दोनों ही लॉन्च व्हीकल में किया जाता है। वैसे इस प्रोजेक्ट में सफलता हासिल करने के बाद लंबी नारायण ने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम करने के लिए सोची। इन्होंने इसरो के कार्योगिक प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किए और इसी प्रोजेक्ट के दौरान लंबी नारायण की जिंदगी और इसरो का भविष्य उथल फुथल हो गया, जिसके चलते हमारा इसरो 10 से 15 साल पीछे चला गया। वैसे हुआ यह था कि 1991 में रूस ने भारत के इसरो के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत रूस भारत को कार्योगिक इंजन की डेवलप करने की टेक्नोलॉजी बताता। वैसे यह डील 235 करोड़ में रूस के साथ हुई थी, क्योंकि रूस शुरुआत से ही भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त रहा है। वैसे अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए 900 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का चार्ज किया था, और वहीं फ्रांस ने भी 700 करोड़ रुपये तक का चार्ज किया, मगर रूस ने मात्र 235 करोड़ में यह डील कंफर्म की थी, जिसके चलते अमेरिका और फ्रांस को इस डील से बहुत ही ज्यादा जलन हुई और यह डील किसी भी तरह से कैंसिल करवाने की सोची, जिसके चलते अमेरिका ने रूस के ऊपर दबाव बनाई और रूस को धमकी दी कि अगर तुमने यह टेक्नोलॉजी इंडिया को दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। उस समय रूस में अमेरिका की तरह उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, जिसके चलते रूस डर के यह डील इंडिया से कैंसिल कर दिया। वैसे क्रायोजेनिक इंजन शून्य से कम तापमान में भी काम करता है। वैसे -238 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्रायोजेनिक तापमान कहा जाता है। इस तापमान में क्रायोजेनिक इंजन का ईंधन यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, और यही लिक्विड फॉर्म गैसेस क्रायोजेनिक इंजन में इस्तेमाल होती है, और इसी लिक्विड को इंजन के अंदर जलाया जाता है और इससे क्रायोजेनिक इंजन को 4.4 किलोमीटर/सेकंड की स्पीड मिल पाती है। लेकिन रूस ने जब यह टेक्नोलॉजी भारत को देने से इनकार कर दिया तो हमारे भारत के साइंटिस्ट हार न मानकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हुए उन्होंने रूस के साथ एक नया एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें यह तय किया गया कि भारत और रूस के साइंटिस्ट दोनों एक साथ मिलकर भारत के लिए क्रायोजेनिक फ्यूल बेस्ड इंजन
नजर बनाएंगे, जिसके चलते जल्द से जल्द इस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसमें नम्बी नायक प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया। इस प्रोजेक्ट के ऊपर तेजी से काम चल ही रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका भुगतान नम्बी नारायण के साथ साथ पूरे देश को भुगतना पड़ा। हुआइयों के साथ 1994 के नवंबर महीने में नम्बी नारायण के साथ उनकी कुछ टीम के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ था कि 20 अक्टूबर 1994 को केरल पुलिस ने मालदीव्स की एक महिला मरियम नसीदा को गिरफ्तार किया था, जो कि एक पाकिस्तानी थी जो इसरो के कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट पाकिस्तान को ट्रांसफर कर रही थी। और जब इस महिला से पूछताछ की गई तो इस महिला ने नम्बी नारायण सर का नाम लेकर नम्बी नारायण को और इनकी टीम को बुरी तरह से फंसा दी, जिसके बाद नम्बी नारायण को 50 दिनों तक यानी कि लगभग 2 महीने तक लगातार टॉर्चर किया गया। और इसी दौरान इसरो में क्रायोजेनिक इंजन बनाने का प्रोजेक्ट भी रुक गया, क्योंकि इसका मेन लीडर ही जेल में चले गए थे। वैसे कहा जाता है कि यह सब अमेरिकन गवर्नमेंट के इशारों पर यह सब हो रहा था, क्योंकि अमेरिका यह नहीं चाहता था कि इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो। इसके लिए उस वक्त केरल में मौजूद कई सारे नेता और कई पुलिस ऑफिसर को अमेरिका ने खरीद लिया था, लेकिन नम्बी नारायण के ऊपर कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसलिए इस केस की जांच सीबीआई करने लगी। और फिर 1996 में इस मामले में सीबीआई ने नम्बी नारायण को बेकसूर साबित करते हुए क्लीन चिट दे दी। उसके 2 साल बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई के फैसले को सही माना और नम्बी नारायण के पक्ष में फैसला सुनाया, मगर इन्हें असली इंसाफ साल 2018 में मिला, जब इनके क्षतिपूर्ति के लिए इन्हें 1,30,00,000 का मुआवजा भी दिया गया। वैसे नम्बी नारायण को उनके ऊपर देशद्रोही का लालचन हटाने के लिए इन्हें साल 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया, क्योंकि इन्हें इतनी बुरी तरह से लोगों ने फंसा दिया था कि इन्हें लोग देशद्रोही कहना चालू कर दिए थे। वैसे दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नम्बी नारायण सर कैसे लगते हैं, और अगर आप टॉकेटरी दी नम्बी इफेक्ट मूवी देखे हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह मूवी कैसी लगी। वैसे चलिए दोस्तों, अब मिल लेते हैं नम्बी नारायण के फैमिली से। तो नम्बी नारायण की वाइफ का नाम है मीना नम्बी, जिनसे इन्हें एक बेटा और एक बेटी है, जिनका नाम है शंकरा कुमार नारायण, और वही इनकी बेटी का नाम है गीता अरुणन। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नम्बी नारायण के हाउस की। तो नम्बी नारायण अपने फैमिली के साथ तमिलनाडु में एक शानदार घर में रहते हैं, जिसकी कुछ पिक्चर्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो दोस्तों, या थी इसरो के महान साइंटिस्ट में से एक नम्बी नारायण की लाइफ स्टाइल और इनकी पूरी लाइफ स्टोरी वीडियो। वैसे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो कर दे इस वीडियो को लाइक, और साथ में ऐसे ही लाइफ स्टाइल लाइफ स्टोरी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।